अच्छा, पिछले क्लास में जो मैं डिस्काउंटिंग सिखा रहा था, अब बीएफडी पे वापस, हम पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ा रहा था मैं आपको। और उसमें जो एडवांस्ड टेक्निक्स थी, एक लिखी थी मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू और एक लिखी थी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इनमें से पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता हूं। एनपीवी। अच्छा, ये एनपीवी काफी फेमस एब्रिवेशन है, तो एग्जाम में भी आप एनपीवी यूज करें, कोई मसला नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट होगा और फिर कल को उससे पैसा हमें जनरेट होगा। पैसा जितना लगे उससे ज्यादा मिले तो यही चाहिए था, वो इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी जिसमें जितना पैसा लग रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है। जैसे अगर आज इनिशियली इन्वेस्टमेंट 50,000 है, ये हमारी जेब से पैसा जाएगा, और ईयर वन पे ये 40 जनरेट कर देगा, और ईयर टू पे ये 25 जनरेट कर देगा, और ईयर थ्री पे ये 15 जनरेट कर देगा। तो पैसे लगा देने चाहिए, 50,000 खर्च हो रहा है, 80,000 मिल रहा है। नहीं, ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि जो 80 मिल रहा है वो 3 साल में मिल रहा है, जो 50 जा रहा है वो आज जा रहा है। तो चूंकि इनकी टाइम लाइन डिफरेंट है तो ये कंपेरेबल नहीं है। इनको कंपेरेबल बनाने के लिए, अगर मैं यहां खड़ा हूं और एक शख्स वहां खड़ा है और हमने देखना है हम में से हाइट किसकी ज्यादा है, तो दूर खड़े खड़े नहीं कंपेयर कर सकते। या तो मैं चल के वहां जाऊंगा या वो चल के यहां पर आएगा। तो चूंकि डिसीजन मेकिंग आज हो रही होती है, तो इन सब को कंपेरेबल बनाने के लिए आज इकट्ठे करना पड़ता है, यानी इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। जब सब की प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, अब वो कंपेरेबल होंगे, तो उसका जो नेट आंसर आएगा उसको एनपीवी कहते हैं। एनपीवी होती है नेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल रेलेवेंट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं हम, रेलेवेंट कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। वो कैश फ्लोज जो रेलेवेंट हैं। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो है कि कैश फ्लोज, इसमें कैश फ्लोज यूज होने हैं, और दूसरी बात रेलेवेंट वाले कैश फ्लोज। और रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है जो मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में सिखा के आया हूं, इसी के लिए तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कराई थी, जो इस प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट होंगे। वही चार उसूल, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो इनफ्लो होगा, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो आउटफ्लो होगा, एक आउटफ्लो होना था इस प्रोजेक्ट की वजह से सेव हो जाएगा, वो रेलेवेंट इनफ्लो है। एक इनफ्लो होना था इस प्रोजेक्ट की वजह से जाया हो जाएगा, वो एक रेलेवेंट कैश आउटफ्लो लिया जाएगा। तो रेलेवेंट की पहचान वही चार असूल है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कोई डिस्काउंट रेट भी होगा। इसकी डिस्काउंटिंग के लिए जो रेट इस्तेमाल किया जाएगा उस पे कुछ आगे चल के बात आएगी, शायद आज ही टाइम मिल जाए, नहीं तो अगली क्लास में, कोशिश आज की करूंगा। वो जो भी होगा, उसका जो भी नाम होगा, बाद में बात आएगी इस पे, पहचान उसकी जो होगी एट रिटर्न रिक्वायर्ड
फ्रॉम द प्रोजेक्ट, यानी बिजनेस इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कुछ कमाना ही चाहता है, तो जितने परसेंट रिटर्न वो इस प्रोजेक्ट से कमाना चाहता है रिक्वायर्ड, उसको एज अ डिस्काउंट रेट इस्तेमाल किया जाएगा। जितना रिटर्न मिलना एक्सपेक्टेड है, नहीं रिक्वायर्ड, इस प्रोजेक्ट में बिजनेस पैसा लगा रहा है, बिजनेस इस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न कमाना चाहता है रिक्वायर्ड, उसको एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाएगा। क्यों? इस क्यों की वजह बाद में। तो एनपीवी होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कैश फ्लोज की, क्योंकि इनफ्लोज भी होंगे आउटफ्लोज भी होंगे इसलिए नेट, और उनकी डिस्काउंटिंग करने के लिए डिस्काउंट रेट क्या यूज होगा, जो इस प्रोजेक्ट से हम रिटर्न अर्न करना चाहते हैं उसको एज अ डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, और जो नेट सबका आंसर आएगा वो एनपीवी है। अगर वो आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि इनफ्लोज आउटफ्लोज से ज्यादा है तो अच्छी बात है। तो इस एनपीवी टेक्निक का डिसीजन रूल ये हुआ कि एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट अगर इसकी एनपीवी इक्वल इक्वल नहीं, वो तो फिर सर ब्रेक इवन हो जाएगा, इक्वल पे और एक रिक्वायर्ड रिटर्न मिल से हो रहा है, मतलब ये जीरो भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, बस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट इतना हो चार्ज हाँ? के लिए हां, और तभी जीरो आ रहा है करने का पहले क्या क्या क्या, जब प्रोजेक्ट ही 4 साल का है हमारा और उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आ रही है, तो जितनी मेहनत करने का थोड़ी देर बाद इसका जवाब। तो एनपीवी टेक्निक है जिसमें प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग की जाएगी, और डिस्काउंट के लिए जो रेट इस्तेमाल होगा वो होगा जो मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट से रिटर्न रिक्वायर, यानी जो चाहती है कमाना, उससे डिस्काउंट करेंगे। जो आंसर आएगा अगर वो पॉजिटिव हुआ तो प्रोजेक्ट अच्छा है, जीरो भी हुआ तो चलेगा, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अगर किसी के दिल को बुरा लग रहा है तो सब्र, रुको सब्र, रुको जरा सब्र करो, अभी इस पे करूंगा बात, लेकिन जीरो भी चलेगा, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव है तो बेकार इन्वेस्टमेंट है, जीरो भी चल जाएगा। अच्छा, इसकी मैं कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करा लूं ना, फिर ये बताता हूं वजह रिक्वायर्ड रिटर्न और ये जीरो क्यों। सवाल लिखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, फोर्टी थाउजेंड, प्रोजेक्ट की लाइफ 3 years, नेट
कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज एट एंड ऑफ एवरी ईयर, नेट कैश फ्लोज एट एंड ऑफ एवरी ईयर नहीं, एट एंड ऑफ ईयर, ईयर वन में 18,000 18,000, ईयर टू 19,000 और ईयर थ्री 15,000। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। प्रोजेक्ट की एनपीवी बताइए, एनविटी डिस्काउंटिंग लगाएंगे इस पर? नहीं, सब अमाउंट्स अलग अलग है, हर एक को अलग अलग डिस्काउंट करेंगे। जो इनिशियल है टाइम जीरो पे कितना है? कुछ भी नहीं है, 40 आउटफ्लो। टी वन पे 18,000, इसकी डिस्काउंटिंग 16364। टाइम टू पे 19,000, इसकी डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटेड मैंने 10 बोला था ना, इसकी डिस्काउंटिंग 2 साल 15702। किधर नेगेटिव है? टाइम थ्री पे 15,000, इसको 3 साल डिस्काउंट 11270। अब ये सारे कंपेरेबल हैं क्योंकि सब टाइम जीरो के अतबार से आ गए, तो इनका नेट टोटल बन गया 333 पॉजिटिव, पॉजिटिव 43 पॉजिटिव। तो ये एनपीवी आ गई और पॉजिटिव है इसलिए एक्सेप्ट। और लिखें सवाल। जी जी सवाल लिखें, सवाल लिखें, सवाल लिखें, सवाल लिखें, सवाल लिखें। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल, इन्वेस्टमेंट 150,000, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू 15,000,
ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ब्रैकेट में लिखिए अराइजिंग एट एंड ऑफ एवरी ईयर, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बता रहा हूं ब्रैकेट में अराइजिंग एट एंड ऑफ एवरी ईयर। अब ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बताऊंगा ईयर 1, 2, 3, 4 के। सेल्स बता रहा हूं पहले, जो प्रोडक्ट बना के बेचेंगे सेल्स। वन में 120,000, 150,000, जी जी वन के बाद टू ही आएगा, 175,000 और 180,000। रिपीट कर रहा हूं, 120,000, 150,000, 175,000 और 180,000। प्रोडक्शन कॉस्ट वन में 40,000, 45,000, 50,000 और 60,000। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 9,000, 10,000, 11,000 और चौथा क्या लिखें, 12,000। हाँ जी 9, 10, 11, 12। उसके बाद लिखिए फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। पहले वेरिएबल बताई है, अब फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। ये चारों साल में 4,000 लिख लें, और नेक्स्ट लिखें एलोकेटेड फिक्स्ड जनरल ओवरहेड्स। एलोकेटेड फिक्स्ड जनरल ओवरहेड्स ये चारों साल में 7,000 लिख लें, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है और मुझसे रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट की एनपीवी। परसेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और मुझसे रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट की एनपीवी। अच्छा, ये जिस तरह मैंने ये वाला सवाल सॉल्व किया था ना कि हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और उसका टोटल कर लिया, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। कुछ सवालों में हम यही लगा रहे होंगे, वरना जनरली इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो इस तरह से नहीं था। और आप भी यही फॉलो किया कीजिएगा, जनरली ये प्रेजेंटेशन है कि अंग्रेजी और टाइमलाइन 0, 1, 2, 3, 4 और जो जो प्रोजेक्ट के रेलिवेंट कैश फ्लोज हैं वो लिख लें। और उसकी रीजन टैक्स जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी बस बगैर रीजन के इन्वेस्टमेंट को शुरू में नहीं लिखना, आखिर में लिखना है। सेल्स 120, 150, 175, 180। प्रोडक्शन की कॉस्ट 40,000 आउटफ्लो, 45,000,
50 और 60 वेरिएबल सेलिंग के खर्चे 9, 10, 11, 12 और अच्छा ये वैसे तो जबानी याद ही रह जाएगी आपको बात, फिर भी अगर लिखना चाहें तो अच्छा है लिख लें। जब किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसमें कोई फिक्स्ड खर्चा भी है, तो जब तक वो नहीं क्लियरली पहचाना जा रहा ना कि वो रेलिवेंट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो रेलिवेंट ही है। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, उसमें आपको फिक्स्ड खर्चे की इंफॉर्मेशन दी है, बाय डिफॉल्ट रेलिवेंट ही है क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही तो बंदे रख के उनको तनख्वाह दिया करेंगे, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये एक रेलिवेंट खर्चा होगा। तो जो फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है ये बिल्कुल रेलिवेंट है, चार हजार नेक्स्ट क्या है? एलोकेटेड खर्चा कभी भी फिक्स्ड रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि वो खर्चा होता है जो नैनी केस हो ही रहा होता है, होना होता है, बस वैसे ही इसको चार्ज करना होता है, तो एलोकेटेड वाली लाइन इसमें रेलिवेंट नहीं है। अच्छा एक लाइन सवाल में और लिख लें, सवाल में एक लाइन और लिख लें, ₹30,000 वॉज इनकर्ड ऑन मार्केट रिसर्च अब ये डेटा जब इकट्ठा किया होगा कि इतनी सेल्स होंगी, तो मार्केट सर्वे किया होगा तो पता लगाएंगे ना इतनी सेल कर लेंगे, तो वो 30,000 रेलेवेंट क्यों? वो तो चले नाम हो गया ना संक कॉस्ट, वैसे वो पास्ट है, वो हो चुका, अब यहां से ऑनवर्ड हम प्रोजेक्ट लगाएं ना लगाएं वो हो चुका है खर्चा, तो पास्ट कभी भी रेलिवेंट नहीं होता। अब ये सारे कैश फ्लो लिखने के बाद एसेट वाली लाइन लिखिएगा, इसकी वजह टैक्स पढ़ाने के बाद बताऊंगा। प्लांट खरीदेंगे तो अभी ही कितने पैसे जाएंगे? 150 और 4 साल बाद प्लांट बेच के 15,000 इनफ्लो हो जाएगा। सारे कैश फ्लोज लिखने के बाद क्योंकि इनकी डिस्काउंटिंग करनी है, तो जो जो कैश फ्लो सेम टाइमलाइन पे हैं उनको डिस्काउंटिंग से पहले आपस में नेट कर लें। जीरो पे होगा 150,000, वन पे 67,000 पॉजिटिव, 91, 10, 119 इसके बाद ये एग्जाम प्रेजेंटेशन यही बेहतर है। सारे कैश फ्लोज नेट करने के बाद इनके नीचे हर एक के नीचे उसका रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर लिखा जाएगा। मैंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या बताया? 12%। और डिस्काउंट फैक्टर ये होता है, ये होता है, तो 1 प्लस 12%
पावर जीरो तो वन आ जाएगा, वन प्लस 12% पावर माइनस वन 0.893, तीन डेसिमल बहुत होते हैं, 1, ये तो मतलब ये है ना, 1 प्लस 12% पावर माइनस 2 0.797, 1 प्लस 12% पावर माइनस 3 0.712, 1 प्लस 12% पावर माइनस 4 0.636. और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका, कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया 150 5983 1 72 527 783 20 756 84. अब ये सब प्रेजेंट वैल्यूज हैं, अब इन सब का सम कर दें तो वो आंसर एनपीवी होगा, 1363 62. ये एनपीवी का एक रीजनेबल एग्जाम फॉर्मेट है कि जो प्रोजेक्ट के रेलिवेंट कैश फ्लोज हैं टाइम लाइन पे वो सारे ड्रॉ कर लें, उन सब का नेट टोटल कर लें हर टाइम लाइन का, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके डिस्काउंट फैक्टर्स लिख दें और फिर मल्टीप्लाई करते जाएं, जो आंसर आएगा उनका सम कर लें तो एनपीवी। चलो जी 15 मिनट बाद मिलते हैं। सवाल लिखे सर, जो एलोकेटेड ट्रिप्स हो रहे हैं वो अप्रेजल करता उस वक्त, तो ये रेलेवेंट है जब हम सेगमेंट का रिपोर्ट वगैरह में करते हैं, तो ये नहीं कॉस्ट रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं, अकाउंटिंग में तो रेलेवेंट और इररेलेवेंट का मसला ही नहीं है ना, जो भी चीज इस सेगमेंट को चार्ज होगी वो उसको डेबिट होगी, उसका हिस्सा है। अकाउंटिंग का तो ये रेलिवेंट का मसला नहीं होता ना, ये तो फाइनेंस डिसीजन मेकिंग की बात है, अकाउंटिंग का तो इससे मसला नहीं है कि रेलिवेंट है कि नहीं है। नहीं फिर बस अकाउंटिंग करने के लिए तो रेलिवेंट का वर्ड ही नहीं है ना, रिलेटेड है तो उसको चार्ज होगी, अब जो हो रहा है उसकी अकाउंटिंग होती है बस। सवाल लिखिए और एसेट की कॉस्ट 175,000 क्या समझ नहीं आ रही जी, जाए आप, शुक्रिया आने के लिए। प्लांट की कॉस्ट 175,000 175,000 लाइफ 5 साल, सेल्स यूनिट्स में, यूनिट्स बताऊंगा, ईयर वन 9500, ईयर टू 11500, ईयर थ्री 12500, ईयर फोर 9250,
9250 और ईयर 5 10,000 9500 11500 12500 9250 और 10,000 ये बताएं सेल प्राइस पर यूनिट सेल प्राइस पर यूनिट 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट चौदह रुपए पर यूनिट 14 पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 12,000 पर ईयर रेजिडुअल वैल्यू प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू 30,000 30,000 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% 15% एनपीवी बताइए
12,000 समथिंग, बिल्कुल ठीक है। कितना अच्छा लगेगा, बिल्कुल ठीक है। फिगर्स बता देता हूँ बोर्ड पे, क्या सॉल्व करूँ, फिगर्स बता देता हूँ। सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स बन जाएंगी 190,000, 230,000, 250,000, 185,000 और 200,000। वेरिएबल कॉस्ट बन जाएंगी 133,000, 161,000, 175,000, 130,000 और 140,000। इस पे कोई इख्तलाफ? फिक्स्ड कॉस्ट बाय डिफॉल्ट रेलिवेंट है, जब तक ये ना कहा हो कि लिक्विडेटेड है, जब तक कुछ ये ना पता चल रहा हो कि रेलिवेंट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट रेलिवेंट है। तो ये हर साल 12,000 आउटफ्लो आ जाएगा। प्लांट की लाइन जीरो में 175,000 और फाइव पे 30,000, तो 15% पे एनपीवी निकालेंगे तो वो 12,300 समथिंग आ जाएगी। सबसे डन चले। अच्छा, ये जो डिस्काउंट फैक्टर लिखा है ना, ये अच्छी प्रेजेंटेशन है ये, वरना अगर कोई ये सोचे कि ये दो लाइनें हम लिखें ही ना, सिर्फ वो नाइट कैश फ्लोस की लाइन लिखें और कैलकुलेटर के ऊपर ही सारा इसकी डिस्काउंटिंग करके सीधी यही फिगर निकाल दें, तो मेरे ख्याल में इसके नंबर कटने तो नहीं चाहिए, लेकिन
प्रेजेंटेशन में ये इस तरह से रिपोर्ट हो रहा होता है तो बेहतर है कि आप ऐसे कर लें कि फैक्टर लिखें, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें और फिर उनको सम करें, तो बेहतर है कि आप ऐसे करें। अब आगे ऐसे सवाल भी आएंगे जिनमें डिस्काउंट, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था ये 13.73% होगा, तो अब इतने सारी डेसिमल के साथ ये डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना, और ये भी आईकैप में एक नॉर्म है कि अगर 13.73% है तो 13.73% यूज होता है, उसको 14 नहीं करते, दो डेसिमल तक रखते हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर का एक शॉर्टकट बता रहा हूं। वैसे डिस्काउंट फैक्टर ये जो मैंने सामने किया है ये मैंने ऐसे निकाला था, इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, बस अगर उसको आप हौसले के साथ सब्र के साथ यूज कर लें तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताता हूं साथ साथ चलिएगा। कैलकुलेटर पकड़े, वन इक्वल डिवाइडेड बाय, इसमें डिस्काउंट रेट क्या था, ये क्या चीज बन गई, ये 1.12, बस अब आस्ता आस्ता आंसर दबाते जाएं इक्वल दबाते जाएं। हाँ जी, क्या हो रहा है, ये फैक्टर आते जा रहे हैं, इक्वल दबाते जाएं फैक्टर आते जाएंगे। वन इक्वल डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड 12% है तो 1.12, बस अब इक्वल दबाते जाएं, ये पहला आ गया, फिर इक्वल दबाएं दूसरा आ जाएगा, फिर इक्वल दबाएं तीसरा आ जाएगा, बस वो सारे आते जाएंगे। नहीं नहीं पहला मेरा आता है 1.1, अच्छा ये 1.1 डिस्कस है, ये सामने चलो, हाँ जी ठीक है, समझ आ गया शॉर्टकट, बस अब ये लगा लिया की जगह तो डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR, एनपीवी टेक्निक यही है बस, बाकी सवाल अभी इस पे जितना भी मैंने टाइम और लगाना है वो प्रैक्टिस एनपीवी की होती रहेगी, एग्जाम प्रैक्टिस एज अ टेक्निक एनपीवी यही है। IRR का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, फार्मूला लिख दूंगा, सॉल्व तो फार्मूले से ही करना है, लेकिन समझाने के लिए एक कहानी समझा रहा हूं, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना करना तो ऐसे ही है जो फार्मूले लिखूंगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक प्रोजेक्ट जिसमें 2000 रुपये इन्वेस्ट होंगे और एक साल का बस प्रोजेक्ट है और ये 2400 रुपये दे के, बल्कि ज़्यादा कर लिया मैंने, 2200 रुपये दे के बस ख़त्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट एक साल का है, 2000 लगाएंगे, साल बाद 2200 मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आम आँख से नज़र आ रहा है, वैसे इस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न, कितने परसेंट रिटर्न मिल जाएगा, 10%। 2000 लगाएंगे, 2200 आ जाएगा, तो 200 आया ना रिटर्न, तो एक साल का कितना रिटर्न मिला, 10%। ये इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल जाएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट की
जिससे हमें साल बाद इतना मिलेगा, तो ये इस इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड का वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंफर्म थोड़ी है, तो एक्सपेक्टेशन है हमारी। तो इस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिलता नजर आ रहा है, 10%। ये आम आंख से पता चल रहा है, 10%। एनपीवी टेक्निक लगाते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की, ये जो सामने लिखा हुआ है, एनपीवी निकाली जाए, तो एनपीवी टेक्निक क्या है, क्या करना है उसमें, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना है, किस रेट पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें इससे कितना रिटर्न रिक्वायर है। अगर इस प्रोजेक्ट से मैनेजमेंट को 8% रिटर्न रिक्वायर्ड हो, तो इसकी एनपीवी करिए कैलकुलेट। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% हो, तो इस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी, 37, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर मैनेजमेंट का इस प्रोजेक्ट से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो एनपीवी टेक्निक का आंसर क्या आ रहा है, 37 पॉजिटिव। एक और सिनेरियो, अगर मैनेजमेंट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% हुआ, अगर इसी प्रोजेक्ट से मैनेजमेंट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% होता, तो एनपीवी की फिगर क्या आती, -7.0। और एक और, अगर इस प्रोजेक्ट से मैनेजमेंट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% होता, तो इसकी एनपीवी 0 आ जाएगी। पहले तो ये कैलकुलेशंस पे तसल्ली कर लें कि ये कैलकुलेशंस कैसे आई, फिर बताता हूं मैं इसे बताना क्या चाह रहा हूं। उसको भी रहने देते हैं। ये प्रोजेक्ट है, एक साल का प्रोजेक्ट है, 2000 रुपए लगाएंगे, साल बाद 2200 मिलेगा और प्रोजेक्ट खत्म। इस प्रोजेक्ट की अप्रेजल अगर एनपीवी टेक्निक से की जाए, तो क्या तरीका होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने 3 सिनेरियो सामने लिखे। अगर मैनेजमेंट का इस प्रोजेक्ट से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% हो, तो एनपीवी आ रही है। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% हो, तो -70 आ रही है। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% हो, तो ये आ रही है। ये 3 अलग अलग सिनेरियो हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट ऐसा करे कि रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ा ले, कम कर ले। मैंने बस 3 डिफरेंट सिनेरियोज लिखे। इन 3 डिफरेंट सिनेरियोस से
जो रिजल्ट निकला है उसको एनालाइज करके देता हूं। मैंने चूंकि आसान सा प्रोजेक्ट सामने रखा है जिसकी आप जबानी देख के बता सकते हैं ये कितना रिटर्न कमा रहा है, ये प्रोजेक्ट रिटर्न कमा कितना रहा है 10। ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से 10% अगर हो तो एनपीवी जीरो क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो सामने कैश फ्लो है ये 10% ही कमा के दे रहे हैं ना, ये 2200 10% ही ग्रो किया है, और जब उसको 10% से डिस्काउंट कर लेंगे तो देखें 2000 को 10% से ग्रो करें 2200, और 2200 को 10% डिस्काउंट कर लें 2000, तो इस प्रोजेक्ट में कैश फ्लोज चूंकि असल में 10% ही कमा के दे रहे हैं, तो जब 10% से डिस्काउंटिंग करेंगे तो उसकी पीवी एनपीवी नहीं कह रहा, इसकी पीवी दो ही आनी है और एनपीवी दो ही आनी है। इसकी एक और मिसाल बताता हूं, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ग्राउंड है, अगर 10 सीढ़ियां ऊपर जाए कोई चीज, 10 सीढ़ियां, और उसको 10 सीढ़ियां नीचे खींचना है उधर ही आ जाएगा। अगर एक चीज 10 सीढ़ियां ऊपर गई है और उसको 10 सीढ़ियां नीचे खींचना है क्या हो गया? नहीं, आस्ता आस्ता ले आएंगे तो उसी पॉइंट पे आ जाएगा, पॉइंट जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि ये कमा ये ग्रो ही 10% पे रहा था, तो इसको जब 10 पे डिस्काउंट करेंगे तो वापस 2000 ही आएगा। अगर एक 0 पॉइंट से 10 सीढ़ियां ऊपर गया और उसको 14 सीढ़ियां नीचे लाना है, तो जहां से स्टार्ट किया था उससे और नीचे चले जाएंगे। ये कैश फ्लो 10% रिटर्न कमा के दे रहे हैं, जब इसकी डिस्काउंटिंग करना है कैश फ्लो को खींच के नीचे लाना, जब इन कैश फ्लो को 14% पे खींचेंगे तो इस 2200 की पीवी 2000 से कम चली जाएगी, इसलिए एनपीवी नेगेटिव आ रही। इस पॉइंट से स्टार्ट किया, 10 सीढ़ियां ऊपर गए, 8 सीढ़ियां नीचे खींचा, तो जहां थे उससे ऊपर ही आएगा, तो 2200 को जब 8% पर डिस्काउंट करेंगे तो उसकी पीवी 2000 से, इसलिए एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। इस रिजल्ट से कंक्लूजन बता रहा हूं आपको, तीन कंक्लूजन बता रहा हूं आपको। पता है कि इससे कितना रिटर्न मिल रहा है, 10 एनपीवी का। अच्छा, आपको पता है कि 10 मिल रहा है। एनपीवी के जो तीन रिजल्ट हैं इनसे हम रूल बनाते हैं। प्रोजेक्ट का जो अपना रिटर्न है, यानी जो प्रोजेक्ट कमा के देगा, अगर एनपीवी के लिए रिक्वायर्ड रिटर्न भी उतना ही हुआ तो एनपीवी जीरो आएगी। फिर सुनिए, जो प्रोजेक्ट असल में रिटर्न कमा के देगा यानी 10, अगर एनपीवी के लिए रिक्वायर्ड रिटर्न भी इत्तफाक से उतना ही रख लिया जाए तो एनपीवी जीरो होगी। प्रोजेक्ट जितना कमा के दे रहा है, कितना कमा के दे रहा है, अगर एनपीवी निकालने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इत्तफाक से उससे ज्यादा हुआ तो एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी। ये प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है, 10। अगर एनपीवी टेक्निक निकालते हुए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उससे कम हुआ तो एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी। इसी को एक और तरह से बताता हूं, इसी को मैं उल्टा बोल रहा हूं। एनपीवी पॉजिटिव आना क्या शो कर रहा है कि हमारे रिक्वायर्ड से प्रोजेक्ट ज्यादा कमा के देगा। एनपीवी नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि हमारे रिक्वायर्ड से कम कमा के देगा, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर देते थे। पॉजिटिव पे क्यों एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी आना क्या शो कर रहा है कि प्रोजेक्ट हमारे रिक्वायर्ड से ज्यादा कमा के देगा। जीरो एनपीवी क्या शो कर रही है कि हमें जितना रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट उतना ही कमा के देगा, तो इसलिए जीरो पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं या ना करें एक्सेप्ट, फायदा कोई नहीं। आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए और आपने कहा जी मुझे तो 1.5 लाख सैलरी चाहिए, मेरी तो रिक्वायर्ड 1.5 लाख है। उन्होंने कहा ठीक है 1.5 लाख, आपको मैं तो नहीं करता, ये तो मेरी रिक्वायर्ड के बराबर ही दे रहे हैं आप, तो एक्सेप्ट कर लेंगे ना।
तो हमारा रिक्वायर्ड है कि 10% कमाना है, तो अगर 10% कमा के दे रहा है तो अल्लाह का शुक्र है। तो एनपीवी पॉजिटिव हो तो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, जीरो हो तो भी ठीक है। क्यों ठीक है? जितना चाहिए उतना मिल रहा है तो बस ठीक है। असल में बिल्कुल ही अगर लेमैन इन्वेस्टर हो ना तो उसको एनपीवी समझ भी नहीं आती। बिल्कुल लेमैन जो होता है ना वो कहता है मेरा पैसा कदों वापस आ जाएगा, तो उसको पे बैक ही बताते हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत जो समझता है उन्हीं के लिए एनपीवी है। ये तीन जो मैंने कंक्लूजन बताए हैं ये बात समझ आती है कि एनपीवी पॉजिटिव रिजल्ट अगर आए तो उसका क्या मतलब है कि जितना हमें चाहिए प्रोजेक्ट उससे ज्यादा कमा के देता है, अच्छी बात है। नेगेटिव एनपीवी क्या शो करती है कि जितना हमें चाहिए प्रोजेक्ट उससे कम कमा के देता है। जीरो एनपीवी क्या शो करती है? जितना हमें चाहिए प्रोजेक्ट उतना ही कमा के देता है। तो इसीलिए एनपीवी टेक्निक में डिस्काउंट रेट क्या यूज किया जाता है? जो रिक्वायर्ड है, ताकि पता चल जाए कि प्रोजेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट से अच्छा है उतना ही है या बुरा है। इसलिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है, एनपीवी टेक्निक। ओके, अब इस प्रोजेक्ट ये जो काली कैलकुलेशन है, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है तो पॉजिटिव एनपीवी क्या शो कर रही है कि प्रोजेक्ट 8 से। तो एनपीवी टेक्निक बस सिर्फ ये बता पा रही है कि हमारे रिक्वायर्ड से ज्यादा कमा के देगा या रिक्वायर्ड से कम कमा के देगा या रिक्वायर्ड कमा के देगा, बस इतना बता रही है। कितना कमा के देगा वो आईआरआर है। आईआरआर होता है कि प्रोजेक्ट कितना कमा के देगा। आईआरआर होता है प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यानी इस मिसाल में आईआरआर कितना है? 10%। तो प्रोजेक्ट हमें जितना कमा के देगा वो उसका आईआरआर है। तो फिर डिसीजन रूल क्या हुआ इस टेक्निक का? यानी अगर एनपीवी नहीं आईआरआर मेथड यूज करना हो तो डिसीजन रूल क्या हुआ? आईआरआर क्या है? प्रोजेक्ट जितना कमा के देगा, प्रोजेक्ट 17% कमा के देगा तो फिर तो उसको कंपेयर करेंगे अपने रिक्वायर्ड से, और अगर रिक्वायर्ड जितना या उससे ज्यादा कमा रहा हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगला मसला के आईआरआर कैलकुलेट कैसे करें। इन तजुर्बों से एक रिजल्ट यह सामने आया कि अगर रिक्वायर्ड रिटर्न उतना ही हुआ जितना प्रोजेक्ट का आईआरआर है तो एनपीवी। इस असूल से वर्क बैक करके आईआरआर निकाला जाता है। इस तजुर्बे से पता चला कि अगर रिक्वायर्ड रेट उतना ही हो जितना प्रोजेक्ट का आईआरआर है तो एनपीवी क्या आएगी? जीरो। तो अब जब आप एक्सेल के ऊपर फार्मूला लिखेंगे ना इज इक्वल टू आईआरआर और उसको कैश फ्लो की रेंज देंगे तो वो कंप्यूटर क्या करेगा? वो तुक्के लगा के देखेगा। वो एक डिस्काउंटेड अज्यूम करेगा 18%, एनपीवी जीरो नहीं आई, नहीं 16%, 17%, 16.5%, 16.15%, 15.3%, 14.5%, मुख्तलिफ तजुर्बे करके देखेगा। इन सारे तजुर्बों से जिस रेट पे एनपीवी जीरो आ गई वो आईआरआर है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम है तो वो तजुर्बे ऐसे कर लेगा तो आपके एंटर मारते ही आंसर आ जाता है, वरना कर वो तजुर्बे ही रहा होता है। तो आईआरआर कैलकुलेट करने का वाहिद हल तजुर्बे करना ही है, मुख्तलिफ रेट स्ट्राइक करना, जिस पे जीरो आ गया वो आईआरआर। तो प्रोजेक्ट का आईआरआर कैलकुलेट करने का तरीका के तुक्के लगाएं, मुख्तलिफ रेट्स ट्राई करते रहे, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग बार बार डिफरेंट रेट्स पे करते रहे, जब तुक्का लग गया कि एनपीवी जीरो आ गई तो वो आईआरआर होगा। लेकिन इतने तुक्कों का टाइम नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटर के बगैर आम इंसान के लिए आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूले बने हुए।
तीन सिनेरियो से बताता हूं फार्मूले। दो सिंपल है वो बता देता हूं, एक जो लेंथी है वो अगली क्लास में बता दूंगा। ये जो सारी बातें की हैं इनके बारे में अगर कोई कंक्लूजन अपने लिए लिखना चाहें तो लिख लें। कुछ भी अपने लिए लिखना चाहें अंडरस्टैंडिंग तो लिख लें। चले कुछ नहीं लिखना। आईआरआर का फार्मूला तीन सिनेरियोज में बता रहा हूं, दो सिंपल से हैं वो बता रहा हूं और जो लेंथी है वो अगली क्लास में। आईआरआर की कैलकुलेशन तीन सिनेरियोज में या कहले तीन सवालों से बताता हूं। इन्वेस्टमेंट है 540,000 और प्रोजेक्ट विल जनरेट नेट 54,000 एट एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर इनडेफिनेट पीरियड। बस कमाता ही जाएगा। आईआरआर अच्छा, आईआरआर ऐसा डिस्काउंट रेट होगा जिसपे एनपीवी, ये हमने इन तजुर्बों से सीखा है, इसी असूल पे आईआरआर के फार्मूले बनाए हुए। यानी इस प्रोजेक्ट का आईआरआर वो डिस्काउंट रेट होगा जिसपे इस 54,000 की पीवी, 54,000 की पीवी 540,000 आ जाए, तभी तो एनपीवी जीरो होगी। तो इस पे एनविटी डिस्काउंटिंग करेंगे, परपेचुटी करेंगे, क्या करेंगे, परपेचुटी ना, परपेचुटी। तो इसका आईआरआर ऐसा डिस्काउंट रेट होगा कि जिसपे 54,000 की परपेचुटी डिस्काउंटिंग की जाए तो आंसर किसके बराबर आ जाए, 540, तभी तो एनपीवी जीरो आनी है। तो ये कैसे निकले, तो इसका आईआरआर निकल आएगा एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 54,000 डिवाइडेड बाय 540, 10%। लेकिन ये फार्मूला आईआरआर का कब चल रहा है, अगर परपेचुटी है तो। बल्कि बस क्योंकि इससे मैंने एक चीज टेबल यूज करवाना है तो वो तो आपको भी किताबें नहीं मिली।
ये अगली क्लास में, अगर तो अगली क्लास तक बुक्स आ गई हुई